अगर मैं सर इसके ब्रेन की अगर मैं बात करूं, इसमें B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ये B12 होने से जैसे किसी को पार्किंसंस होता है, ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं ना, कोई गर्दन हिलाता है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है ब्रेन के अंदर, तो याददाश्त का कमज़ोर होना, ब्रेन स्ट्रोक आ जाना, दौरा, चक्कर, मिर्गी, इन सब जगहों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ठीक है, आप इसको वहाँ पर यूज करा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं सर, मैं अगर हार्ट की बात करूँ तो पूरा का पूरा हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको हेल्दी करने का काम करता है। कितना भी कोलेस्ट्रॉल जम रहा है या किसी तरह का अटैक आ गया, स्ट्रोक हो रहा है, सर उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा जो हमारे लंग्स और लीवर है, यानी अगर मेरा हार्ट बीट रेगुलर नहीं है, मेरा दिल बड़ा हो रहा है, फैल रहा है, कभी BP ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ये उसको मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर मैं बात करूँ जैसे कोई नस सुकड़ रही है, दब गई है, फूल गई है, ये हो रहा है, उन सब जगहों में ये काम करेगा। इसके अलावा जो किडनी श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से हम डायलिसिस प्रक्रिया पे पहुंचते हैं, ये उसको भी बेहतर करने का काम करता है, क्योंकि ये जनरली आपके बॉडी में पहुंचने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने का काम करता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो हमारे हेल्दी करने में उसका, और हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा करने में, हमारी धमनियों, नसें अकड़ गई हैं, हड्डी अकड़ गई, उनको बेहतर करने में बहुत बड़ा काम करता है। मैं बात करूं इसकी जॉइंट्स के लिए, तो हमारी जॉइंट्स लुब्रिकेशन को बहुत बेहतर करने का काम करता है। मैं बात करूं एक प्रॉब्लम चल रही है जिसका नाम है अर्ली एज प्रॉब्लम। आज उम्र से भी ज़्यादा बड़े लोग मिलते हैं। मेरी उम्र कितनी है जी? 30 साल। अब लगते तो 45 साल के हों। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऑर्गन से, अपने शरीर से उतना ज़्यादा काम ले लिया है जो उनको 45 साल की उम्र में लेना था। अब बहुत सारी आप अखबार पढ़ते हो ना, एक सर कटा हुआ बंदा मिला, पढ़ते ना, पेपर में आता है, गर्दन काट के कोई डाल गया, उसकी उम्र कैसे एनालाइज होती है कि कितनी उम्र का है? वहाँ पर उसके ऑर्गन की माप होती है, वहाँ से एक अंदाज़ा लगता है कि इसके इतने साल पुराने ऑर्गन हैं, 30 साल या 35 साल, फिर वो करते हैं कि भैया इसकी इतनी उम्र का बंदा पाया गया, अनुमानित इतनी उम्र है इसकी। बात समझ में आ रही है? तो ये एंटी एजिंग हार्मोन्स को भी डेवलप करता है। इसके साथ ही फैट, ग्लूकोज और प्रोटीन, तीनों मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। जैसे आप देखते हैं ना, आज इम्यूनिटी वीक होने से तमाम तरह की समस्याएं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को गांव में रहना भी मुश्किल कर देते हैं लोग, इसी तरह से हमारे शरीर में अगर कोई कमजोरी आती है तो बाहर का जो बैक्टीरिया है, वायरल है, वो हमें बीमार कर रहा होता है, तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का ये काम करता है। और जो लोग जिम जाते हैं, अपनी मसल्स की ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके स्टेमिना को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। हमारी ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा लंग्स, हमारा लीवर, हमारे जॉइंट्स, हमारी इम्यून पावर, एवरीथिंग, सब पर ये बहुत परफेक्टली काम करने वाला एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर मैं बात करूं सर इसकी रिसर्च के लिए, तो इस पर लिखा है मिरेकल मॉलिक्यूल, यानी कि एक जादुई तत्व है। इसके लिए डॉक्टर फरीद मुराद को 2 टाइम नोबेल प्राइज मिला है। और नोबेल प्राइज ऐसे ही नहीं मिलता, नोबेल प्राइज के लिए कई सारे साइंटिस्ट जब इस दुनिया में नहीं रहे उसके बाद उनको नोबेल प्राइज मिला है। एलार्जिनिन की खोज के लिए डॉक्टर फरीद मुराद को 2 टाइम नोबेल प्राइज मिला है। ये बहुत परफेक्ट काम करता है। तो और इसका एक, इसमें सर सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो बीमारियों से लड़ने के और हमें हेल्दी करने के तत्व होते हैं। इसमें ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रैसबेरी, अल्डरबेरी, ग्रेप्स, तमाम सारी चीज़ें, वो सारे डार्क फ्रूट्स हैं। आपने अगर ये पाउच पिया ना सर, तो सोच लो कई गुना ज़्यादा आपने अनार और अंगूर खा लिए। इतना ज़बरदस्त काम करता है ये। हमारे बॉडी में जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो उसको भी एब्जॉर्ब करने की ताकत इसके अंदर में होती है। हमारी पैनक्रियाज को, ब्लड फ्लो को बहुत बेहतरीन करता है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अगर आप खाएंगे ना सर, मैं ये नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको बेचा जाए, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ या दिलाती हूँ, आप इस प्रोडक्ट को मेरे बोलने से सिर्फ 4 महीने यूज करके देखो, आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आज तक नहीं मिले होंगे। अल्टीमेट प्रोडक्ट है, कौन मना करेगा।